मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने 30 लाख की स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें स्मैक के खिलाफ आज फिर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 300 ग्राम स्मैक जब्त की गई है और उनके खिलाफ NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। विगत कुछ समय में 3 बड़े केसेस में 1 किलो 300 ग्राम स्मैक क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ी गई है और कई तस्करों को बंद किया गया है और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। क्या बैकग्राउंड आरोपियों का, क्या करते हैं आरोपियों का? जो अभी भाई है, जो इनमें से आदिल आरोपी पकड़ा गया है, उसका भाई कासिम 2 दिन पहले पकड़ा गया NDPS एक्ट में और ये लोग मियोना भिंड के रहने वाले हैं। इनका जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चेक कराया जाए। किस तरह की छानबीन की जाएगी, कहाँ पे देने जाते थे और किस तरह का पाते थे? बिल्कुल, इनका PR लेकर के वहाँ से प्राप्त करते थे, मैनपुरी या UP के कुछ शहर से या कहीं और से, इस बारे में छानबीन की जाएगी और कहाँ यहाँ सप्लाई देने वाले थे इसकी भी छानबीन की जाएगी।